हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल मैं हूं प्रियंका और आज की जो हमारी क्लास रहेगी इस क्लास में हम जो सैम्पल पेपर है उसका सेक्शन बी स्टार्ट करने वाले हैं तो सेक्शन ए ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है तो आप में से किसी भी बच्चे ने अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेक्शन ए की जो लिंक है वो मैं मैंशन कर दूंगी तो वहां से आप देख सकते हैं बाकी ऊपर भी मैं लिंक मैंशन कर दूंगी ठीक है तो फटाफट से क्लास को स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन थे टोटल ट्वेंटी तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी का रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन अब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन में देखें आपको और का ऑप्शन है आप ये कर सकते हैं या फिर ये अब इस क्वेश्चन को आप क्लियरली यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये एक्सरसाइज वन पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर नाइन है चैप्टर वन का ठीक है तो सिंपल क्वेश्चन है और चैप्टर वन आप कर भी चुके हैं तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है क्वेश्चन नंबर नाइन ऑलरेडी अपन सॉल्व कर चुके हैं तो पहले खुद से करिए नहीं बनता है वैसे तो हो ही नहीं सकता कि ना बने ठीक है बट फिर भी नहीं बनता है तो आपके पास ऑप्शन है आप समझ सकते हैं ठीक है तो अपन इसको सॉल्व करेंगे चलिए करते हैं तो so, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है अपने को फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है सबसे पहले अपन यहाँ पर ये यह देखेंगे कि अब जनरली क्या होगा कि इससे ये हटके भाई ये आंसर आप कर सकते हैं ये हो सकता है बट सबसे पहले हमेशा अपने को ये देखना है कि ये जो अपनी एक्स की वैल्यू है ये जो एक्स की वैल्यू है ये डोमेन में आ रही कि नहीं एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू होना चाहिए अगर ये है तभी जाके आप डायरेक्ट ये आंसर कर सकते हो तो जो कि नहीं है ऑब्वियसली सो so, दो नंबर का क्वेश्चन है ज़्यादा अपने को टाइम नहीं देना है अपने को वैल्यू फाइंड करनी है साइन इनवर्स साइन थर्टीन पाए अपॉन सेवन और यहां एक्स बिलोंग करेगा माइनस पाए बाय टू टू पाए बाय टू ओके ठीक है तो चलिए अपन क्या करते हैं सबसे पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और इस इंटरवल में लाएंगे तो ओवर सेवन, तो सेवन से अगर आप थर्टीन डिवाइड करें तो सेवन वन टाइम टाइम में में जाएगा लेकिन टू जाए तो आ रहा है बट ये थर्टीन है तो फोर्टीन को थर्टीन कैसे बनाए फोर्टीन माइनस वन कर दो थर्टीन बन जाएगा बस तो यहां पर क्या हो जाएगा देखो अपना साइन इनवर्स ठीक है और ये साइन अपना एज इट इज है इसको लिख सकते हैं अपन फोर्टीन पाए माइनस पाए अपॉन सेवन राइट अब आप क्या करिए यहाँ पर ये जो फोर्टीन पाए अपॉन सेवन है इसको अलग कर लीजिए और पाए अपॉन सेवन को अलग कर लीजिए यानी स्प्लिट कर लेंगे तो ये हो जाएगा देखो आपका साइन इनवर्स साइन ये हो जाएगा फोर्टीन पाए अपॉन सेवन यानी सेवन टू सार फोर्टीन यानी ये हो जाएगा टू पाए और माइनस पाए बाय सेवन अब यहाँ पर आपका क्वाड्रेंट का पूरा खेल है क्वाड्रेंट के हिसाब से देखो 2 पाई माइनस थीटा तो यहाँ पर 2 पाई माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा देखो साइन इनवर्स ठीक है और ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा ठीक है और माइनस थीटा होता है साइन थीटा क्योंकि साइन थीटा माइनस थीटा होता है तो उसका उल्टा भी तो अपन कर सकते हैं ना सो so, यहाँ पर ये यह हो जाएगा देखो साइन इनवर्स साइन माइनस पाए बाय सेवन अब आपको बस एक चीज देखनी है कि क्या ये क्लोज इंटरवल माइनस पाए अपॉन टू टू पाए अपॉन टू के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं तो ऑब्वियसली लाइ कर रहा है तो बस बात खत्म हो गई यहाँ से ये यह आ जाएगा माइनस पाए बाय सेवन विच बिलोंग्स टू माइनस पाए बाय टू टू पाए बाय ओके क्लियर ठीक है बाकी इसके और में जो क्वेश्चन है ये आप खुद से ऑब्वियसली कर लेंगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर अपना ट्वेंटी टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू में क्या बोला जा रहा है अ मैन वन पॉइंट सिक्स मीटर टॉल तो मैन की हाइट दी गई है वॉक्स एट द रेट ऑफ जीरो मीटर पर सेकेंड अवे फ्रॉम द स्ट्रीट लाइट अब देखो उसके वॉक का रेट ऑफ चेंज दिया है ठीक है अ मैन 1.6 मीटर टॉल वॉक्स एट द रेट ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड यानी उसके वॉक का रेट ऑफ चेंज दिया है अवे फ्रॉम अ स्ट्रीट लाइट दैट इज 4 मीटर अबव द ग्राउंड और स्ट्रीट लाइट की अपने को हाइट दी गई है और स्ट्रीट लाइट से वो दूर जा रहा है किस रेट से 0.3 मीटर पर सेकेंड ठीक है अब अपने से पूछा क्या है एट वॉट रेट इज द टिप ऑफ हि शेडो मूविंग अब इस शेडो की जो, जो टिप है वो किस रेट से मूव कर रही है वो बताना है समझेंगे अभी टेंशन नहीं लेना है एट वॉट रेट इज हिज शेडो लेंथनिंग यानी उसकी जो शेडो है उसकी जो लेंथ है वो किस रेट से बढ़ रही है दो चीज़ें पूछी हैं तो ऑब्वियसली फिगर बनाएंगे फिर इस क्वेश्चन को करेंगे सबसे पहले तो अपन ने एक ग्राउंड बना लिया ठीक है ग्राउंड बना लिया अब इसके बाद अपन यहाँ पर एक स्ट्रीट लाइट बना लेते हैं तो ये बन गई अपनी एक स्ट्रीट लाइट सॉरी ये बन गई स्ट्रीट लाइट राइट अब इस स्ट्रीट लाइट से इस स्ट्रीट लाइट से मैन जो है वो मूव कर रहा है ठीक है इससे दूर जा रहा है यानी वॉक कर रहा है किस रेट से जीरो पॉइंट थ्री मीटर पर सेकेंड अपन ने ये सपोज कर लिया कि जो मैन है वो यहाँ कहीं पर है ठीक है मतलब वॉक कर रहा है उससे दूरी कर रहा है अब इसके बाद यहाँ पर अगर आप एक चीज और देखें तो यहाँ पर ये स्ट्रीट लाइट है और इससे यहाँ पर लाइट पड़ रही है और इसकी शेडो की बात हो रही है ध्यान दें तो जब इस पे इस तरफ से शेडो पड़ेगी तो इसकी जो आई मीन I mean, इस पे लाइट इधर से पड़ेगी तो उसकी शेडो ऑब्वियसली यहां बनेगी ग्राउंड पे ठीक है समझ में आ रही बात यहां से लाइट आई इस पर लाइट पड़ेगी तो इसकी शेडो बनेगी यहाँ ग्राउंड में ठीक है तो इस तरीके से अपन इसको भी ज्वाइन करके पूरा प्रॉपर तरीके से बना लेते हैं ठीक है तो यहां पर जो स्ट्रीट लाइट है वो है फोर मीटर अबव द ग्राउंड और जो मैन है उसकी हाइट अपने को दी है 1.6 मीटर राइट और अपने से पूछा है कि अब आप समझें देखो वो वॉक कर रहा है 0.3 मीटर पर सेकंड यानी वॉक का रेट ऑफ चेंज दिया है तो वॉक को अपन सपोज कर लेते हैं कि जो वॉक है वो ऑब्वियसली अपन डब्ल्यू ले लेते हैं और उसकी जो शेडो है ऑब्वियसली अभी हमने समझा कि यहाँ पर ये तो उसकी शेडो ये होगी तो शेडो किस रेट से उसकी लेंथ बढ़ रही है तो शेडो को हमने ले लिया एस अब इस पूरे को अपन नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ये ई e. ये इतना आपका डब्ल्यू है ये इतना आपका एस है अब हमसे क्या पूछा है कि शेडो की लेंथ किस रेट से बढ़ रही है मतलब कि डी एस अब किसके रिस्पेक्ट में टाइम के रिस्पेक्ट में, में? क्योंकि यहाँ पर सेकेंड है तो डी एस अपन डी टी अपने को बताना है पहली चीज़ तो अपने को दिया क्या है इसके वॉक का रेट ऑफ चेंज यानी कि अपने पास है डी डब्ल्यू अपॉन डी टी ये है अपने पास जीरो पॉइंट थ्री मीटर पर सेकेंड राइट right, अपने से शेडो का रेट ऑफ चेंज पूछा है कि किस रेट से बढ़ रही है ये पूछा है और अपने से पूछा है कि उसकी शेडो का टिप जो है टिप ऑफ हिज शेडो मूविंग किस रेट से मूव कर रही है तो ऑब्वियसली अगर उसने यहाँ से चलना चालू किया तो उसकी शेडो भी यहीं कहीं से आगे आएगी तो इस तरीके से उसकी शेडो भी बढ़ रही है वो भी बढ़ते चले जा रहा है उसकी शेडो भी बढ़ते चली जा रही है तो इस तरीके से ये जो पूरी लेंथ है आप देख रहे हैं इसका रेट ऑफ चेंज पूछा है, तो पूरी लेंथ है आपकी देखो इतना है w इतना है एस यानी ये अपने से इसका रेट ऑफ चेंज भी पूछा है यानी ऑफ तो सबसे पहले तो अपने को देखना है अपने पास क्या है क्या अपने से पूछा है अब इसके बाद अगली चीज आती है कि ये जो एंगल बन रहा है ऑब्वियसली ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया इसको अपन ने ले लिया यहां पर थीटा अब देखो जहां राइट एंगल ट्राइंगल बन गया वहां पर अपन देख लेते हैं कि अपने पास क्या है और किस हिसाब से अपन क्या चीज लगा सकते हैं तो आप देखें भाई ये चीज अपने पास है और ये अपने को चाहिए तो इन दोनों का जो रेशो है परपेंडिकुलर और बेस का रेशो ये होता है आपका टेन थीटा अगर इसका उल्टा करेंगे तो कॉट भी इसमें आ जाएगा ठीक है तो टेन का यूज करके टेन थीटा का यूज करके आप यहाँ पर अपना काम बना सकते हैं सो यहाँ पर अपन क्या करेंगे यहाँ पर अपन लेते हैं इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल बन रहा है अपना ए ई एन थीटा क्या हो जाएगा अपना 10 थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी ए बी अपॉन बीई यानी कि फोर अपॉन डब्ल्यू प्लस एस तो थोड़ा डायरेक्ट लिख देते हैं फोर अपॉन डब्ल्यू प्लस एस ठीक है अब इसी तरीके से भाई एक और ट्राइंगल बन रहा है छोटा वाला आप देख रहे हैं यहाँ पर भी अपन सेम चीज कर सकते हैं टेन थीटा लगा के परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी वन पॉइंट सिक्स अपॉन एस सो इन ट्राइंगल ये कौन सा ट्राइंगल है सी डी ई सी डी ई यहां पर भी अपन ने किया टेन थीटा इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स अपॉन एस अब सीधा देखें ये भी थीटा ये भी टेन थीटा है और obviously ये थीटा तो अपना सेम ही है तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं अपन सो so यहाँ से अपना आ जाएगा 4 upon w plus S equal to upon S. ठीक अब एक चीज और अपन क्या कर सकते हैं कि भाई इससे डायरेक्ट अपन इसको कैंसिल कर सकते हैं फोर से पॉइंट सिक्स uh, को तो जीरो पॉइंट फोर आ जाएगा तो इसको कैंसल करके डायरेक्ट अपन 0.4 लिख देते हैं तो ये आ जाएगा 1 upon W plus S या फिर 4S equal to 1.6 into W plus S तो ये आ जाएगा S equal to 0.4 W plus S अब आप एक चीज देखें हमको रेट ऑफ चेंज बताना है टाइम के रिस्पेक्ट में तो इन सभी को हम डिफरेंशिए आई I मीन mean, दोनों साइड हम डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो देखो ये हो जाएगा आपका डी एस अपॉन डी टीवल टू जीरो अपना डी डब्ल्यू अपॉन डी टी ये आ जाएगा अपना डी एस अपॉन डी टी अब एक चीज का ध्यान दें कि शेडो की लेंथ में जो चेंज आ रहा है जो लेंथ बढ़ रही है वो हमको बताना है यानी डीएस अपॉन डी टी अपने को बताना है ये अपने पास है अब डीएस अपॉन डी टी यहां पर भी दिख रहा है यहां पर भी दिख रहा है तो भाई एक तरफ कर लेते हैं डीएस अपॉन डी टी तो देखो ये जो अपन क्या करते हैं ये डी एस अपॉन डी टी तो अपना यहीं पर ही है ठीक है ये हो जाएगा अपना जीरो पॉइंट फोर डी डब्ल्यू अपॉन डी टी प्लस जीरो पॉइंट फोर डी एस अपॉन डी टी तो अब क्या करेंगे ये वाला डी एस अपॉन डी टी इधर जाएगा तो ऑब्वियसली माइनस में जाएगा ठीक है तो देखो ये हो जाएगा अपना डी एस अपॉन डी टी देखो डीएस अपॉन डी टी कर लिया तो सब अपन आराम से कर लेंगे माइनस जीरो पॉइंट फोर और डी एस डी टी ठीक है और जीरो पॉइंट फोर अब देखो ये जो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी है इसकी वैल्यू क्या है ना अपने पास जीरो तो रख देंगे ये जो वैल्यू है ये अपने पास है ना जीरो पॉइंट थ्री वॉक का रेट ऑफ चेंज ठीक है तो ये अब एक चीज ध्यान दें इन दोनों में से अपन ने dS अपॉन डी टी कॉमन लिया तो ये आ गया वन माइनस जीरो पॉइंट फोर और जीरो पॉइंट फोर माइनस करोगे वन में से तो जीरो पॉइंट सिक्स आपको मिल जाएगा ये हो जाएगा फोर थ्री ट्वेल्व तो जीरो पॉइंट और यहाँ से आ जाएगा अपने पास डी एस अपॉन डी टी यहाँ आ जाएगा ज़ीरो पॉइंट सिक्स इक्वल टू जीरो पॉइंट ट्वेल्व उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट वन टू अपॉन जीरो पॉइंट सिक्स विच ज़ीरो पॉइंट टू मीटर पर सेकेंड कहने का मतलब ये हुआ कि जो शेडो है उसकी जो लेंथ है वो किस रेट से बढ़ रही है जीरो पॉइंट टू मीटर पर सेकेंड अब अपने को एक चीज़ और क्या बतानी है देखो भाई ये चीज़ तो अपन ने बता दी अब ये बतानी है डी अपॉन डी टी डब्ल्यू प्लस एस तो फटाफट से बता देते हैं भाई यहाँ पर फिर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पर अब अपने को चाहिए डी अपॉन डी टी डब्ल्यू प्लस एस ठीक है तो ये क्या हो जाएगा डी डब्ल्यू अपॉन डी टी प्लस डी एस अपॉन डी टी तो भाई ये दोनों वैल्यू अपने पास हैं डी डब्ल्यू अपॉन डी टी ज़ीरो पॉइंट थ्री अपने को दिया हुआ है वॉक का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है और जो शेडो है उसकी लेंथ किस रेट से बढ़ रही है ज़ीरो पॉइंट टू जो कि अपन ने अभी फाइंड किया तो जीरो पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड इस तरीके से ये क्वेश्चन अपना खत्म ओके okay, ठीक है तो क्वेश्चन सिंपल था बस वर्ड टू वर्ड समझते चले जाएंगे तो बड़े आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा अब चलेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री जी हाँ तो इसमें और का ऑप्शन है ये कर सकते हैं या फिर ये बट अपन यहाँ पे ऑब्वियसली दोनों करेंगे ठीक है देखिए यहां पर क्या बोला जा रहा है इफ वैक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर भी इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द वेक्टर दिस एंड दिस आर ऑर्थोगोनल तो ऑर्थोगोनल का आ, मतलब आप में से कितने बच्चों को पता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए अगर वेक्टर पढ़ लिया है तो ठीक है तो भाई वेक्टर में जो देखो यहां पर शब्दों का हेर फेर पूरा कर दिया है अपन पढ़ते हैं तो ऑर्थोगोनल का मतलब दो वेक्टर परपेंडिकुलर राइट समझे बात को ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर चीज तो भाई सबको पता होती है हाँ, परपेंडिकुलर दो वेक्टर है मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा बट ऑर्थोगोनल जनरली हम ये वर्ड यूज नहीं करते जब हम पढ़ते हैं तो जनरली हम यूज नहीं करते हैं ना तो इसलिए ध्यान दें और तो गुंडल मतलब दोनों वैक्टर परपेंडिकुलर ठीक है और अपने से लेमडा की वैल्यू पूछी है तो अपन क्या करेंगे भाई अगर ये दोनों वैक्टर परपेंडिकुलर होने की बात हो रही है मतलब इन दोनों वैक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा जीरो सो बस यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं इसको कर रहे हैं फिर बाद में इसको करेंगे ठीक चलो सो देखो अगर ए वैक्टर प्लस वी वैक्टर डॉट ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर इक्वल टू जीरो होगा क्यों क्योंकि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर तो मतलब अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान दें कि वेक्टर ए क्या है ये है बी ये है और ऑब्वियसली इन दोनों का सम और हमको डिफरेंस चाहिए पड़ेगा तो वैक्टर ए क्या है अपना लिख लेते हैं यहाँ पर साइड में वैक्टर ए है अपना आए माइनस जे प्लस सेवन के क्या है अपना फाइव आई माइनस जे प्लस लेमडा के चलो अब अपन क्या करेंगे सबसे पहले तो सम करेंगे वेक्टर ए और बी का 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 तो तो सम कैसे करते हैं भाई में I में I में करो J J K K तो यहाँ पर अपन ने किया आई प्लस फाइव आय तो आई प्लस फाइव आई ये हो गया सिक्स आई कैप माइनस जे कैप माइनस जे कैप दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस टू जे कैप राइट इसके बाद सेवन प्लस के तो सेवन प्लस लेमडा और के कैप हो जाएगा सेवन प्लस लेमडा के कैप तो ये अभी अपन ने फाइंड किया है वेक्टर ए प्लस वैक्टर बी ठीक है अब इनका सब्ट्रैक्शन यानी कि ए माइनस बी भी करना है तो आई माइनस फाइव आई माइनस फोर आई माइनस फोर आई कैप ठीक उसके बाद माइनस जे माइनस माइनस प्लस जे तो जीरो जे कैप और सेवन माइनस लेमडा के कैप ओके okay, क्लियर तो अपन क्या करते हैं इसको तो अपन हटा देते हैं <coughs> और इसको उठा के अपन इधर रख देते हैं ठीक है चलो सो so, ये डॉट प्रोडक्ट और इक्वल टू क्या है जीरो है ठीक है अब इन दोनों का आराम से हम डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं आई का आई में जे का जे में के का के में ठीक है तो सबसे पहले सिक्स आय माइनस फोर आए तो हमेशा इनके कॉफिशन का आप मल्टीप्लाई कर लो दैट्स इट तो सिक्स फोर द्वेंटी फोर तो माइनस ट्वेंटी फोर माइनस टू जे जीरो जे मतलब कि जीरो और के की अगर बात करें तो सेवन प्लस और सेवन माइनस लेमडा इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप क्लियर देखें लेमडा स्क्वायर इक्वल टू जीरो माइनस होगा तो यह आ जाएगा ट्वेंटी माइनस लेमडा स्क्वायर इक्वल टू जीरो तो यहाँ पर एक मिनट लेमडा स्क्वायर इक्वल टू ट्वेंटी फाइव तो लैमडा इक्वल टू रूट ट्वेंटी फाइव तो लेमडा टू प्लस माइनस फाइव ये आगे है। तो की बता थी। बता दी और बोला जा रहा है फाइंड द डायरेक्शन को साइंस तो हमेशा ध्यान रखो डायरेक्शन रेशियोज पता चल गए तो कोसाइन्स तो अपन आराम से पता कर सकते हैं डायरेक्शन रेशियो से ही कोसाइन अपन फाइंड करते हैं ठीक है को अ लाइन पैरेलल टू दाइन इक्वेशन इज दिस देखो ये एक लाइन लाइन की इक्वेशन है है इसी के कोई है। उसके डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन अपने को बताना है तो यहाँ पर कंडीशन अपने को पता होनी चाहिए कि अगर दो लाइन पैरल हैं तो उनके जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो प्रपोर्शनल होती हैं तो सबसे पहले तो इसको अपन थोड़े से स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे क्योंकि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपने लिख लिया तो आप सीधा सीधा डायरेक्शन रेशियोज फाइन कर सकते हैं तो ये क्या है अपना इसके और वाला क्वेश्चन कर रहे हैं अपन है ना क्या है सिक्स एक्स माइनस ट्वेल्व इक्वल टू थ्री वाई प्लस नाइन इक्वल टू टू जेड माइनस टू जेड माइनस टू है सॉरी तो ये अपन ने क्वेश्चन लिखी अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है तो यहां पर होता है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वाई माइनस वाई वन अपॉन बी z माइनस जेड वन अपॉन सी तो यहाँ से देखो ए बी सी डायरेक्ट डायरेक्ट अपन को डायरेक्शन मिल जाएंगे बस बात खत्म तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे और इनमें वाई और जेड और इन तीनों के कोफिशियंट को हटाएंगे तो यहाँ से देखो सबसे पहले सिक्स कॉमन लिया तो ये आ जाएगा सिक्स एक्स माइनस सिक्स टू जार ट्वेल्व यहाँ से थ्री कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा थ्री थ्री हजार नाइन यहाँ से टू कॉमन ले लो तो ये हो गया जेड माइनस वन अब सभी जगह किसी एक ही नंबर से आप डिवाइड कर सकते हैं तो सिक्स यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है इस सिक्स को हटाना है और सिक्स से आप थ्री से भी मल्टी थ्री uh, से भी डिवाइड कर सकते हैं टू से भी डिवाइड कर सकते हैं तो सभी जगह सिक्स से हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि बीच में इक्वल है तो यहां पर सिक्स से सभी जगह हमने डिवाइड कर दिया अब सिक्स से ये सिक्स कैंसिल थ्री टू जार सिक्स टू थ्री जार सिक्स ओके चलो तो ये आ गया आपका देखो एक्स माइनस टू अपॉन वन वाई प्लस थ्री अपॉन टू जेड माइनस वन अपॉन थ्री सो यहां से ए बी सी आपको क्लियर दिख रहा है डायरेक्शन रेशियोज तो यहां पर देखो अपने जो डायरेक्शन रेशोज हैं वो अपने आ गए ए बी सी ए क्या आ गया वन बी आ गया टू सी आ गया थ्री अब बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस की तो डायरेक्शन कोसाइंस की अगर बात करें तो इसके लिए अपने फॉर्मुले होते हैं a इक्वल टू होता है ए अपॉन रूट

वन का स्क्वायर वन टू का स्क्वायर फोर थ्री का स्क्वायर नाइन मतलब ये हो जाएगा फोर्टीन तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे फोरटीन ठीक यहाँ पर ये यह हो जाएगा टू अपॉन रूट फोरटीन ये हो जाएगा थ्री अपॉन रूट फोर्टीन दैट्स इट तो यहाँ पर अपने को डायरेक्शन रिशोज बताने थे डायरेक्शन को साइंस बताने थे बता दिए ओके चले आगे चलो So, यहाँ पर अब हम ले रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री में दो ऑप्शन आई मीन और में क्वेश्चन था तो पहला भी कर लिया और उसके और में जो दिया था अपने को वो भी अपन ने कर लिया अब क्वेश्चन नंबर तो तो ये अपने अपने पास है है और अपने को प्रूव करना इज दिस तो देखो भाई अभी अपन ने चैप्टर फाइव का वन शॉट कवर किया है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कई बार आपको कुछ ना कुछ एक्स और वाई की जगह पे कुछ ऐसा सब्सिट्यूट करना पड़ेगा और फिर उसको सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा क्योंकि इस तरीके से करेंगे तो ऑबवियसली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ठीक है तो वन शॉट भी हमने कवर किया अभी चैप्टर 5 का हालांकि डिटेल में भी अपन सब कुछ कवर कर चुके हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे चैप्टर की लिंक मिल जाएगी टेंशन नहीं लेना है सब कुछ अपन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं ठीक है तो कोई भी चैप्टर में आप फंसते हैं कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है कोई चीज समझ में नहीं आती है

डायरेक्ट मतलब कि साइन इनवर्स का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हो और एक काम और कर सकते हैं अपन कि यहाँ पर फॉर्मूला बना लें अपन एक्स की जगह पर ले लेते हैं sin है, और वाई की जगह पर ले लेते हैं sin b. और यहां पर एक बना के इसको फॉर्मूलाफाई कर लेते हैं ताकि अपन इसको आराम से डिफरेंशिएट कर सकें तो यहाँ पर अपन ने क्या किया वाई की जगह पर लिया साइन बी तो ये रखा अपन ने देखो इसी में अपन वैल्यू रख रहे हैं साइन बी रूट वन माइनस एक्स स्क् मतलब कि साइन स्क्वायर ए राइट फिर प्लस है एक्स की जगह पे अपन ने रखा यहाँ साइन ए और रूट वन माइनस वाई स्क्तर बी क्या है one? ठीक? तो ये हो जाएगा कॉस ए तो और साइन बी अपना एज इट इज ठीक अब इसके बाद साइन ए अपना एज इट इज है यहाँ पर वन माइनस साइन स्क्वायर भी कॉस स्क्वायर भी रूट से बाहर आके स बी अब आप एक चीज देखें यहाँ पर फॉर्मूला नहीं दिख रहा आपको साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी बीच में प्लस है तो ये बन गया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ठीक है तो ये हो गया आपका साइन ए प्लस बी इक्वल टू वन और यहाँ से ए प्लस बी इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स वन और वन साइन के कितने थीटा पर वैल्यू होती है पाई बाय टू तो ये आ गया ए प्ल बी इक्वल टू पाई बाई टू अब आप बोलेंगे मैडम ये ए प्लस बी पाई बाई टू आ गया हमको डी वाई ऑपन डी एक्स फाइंड करना है यहां तो कहीं वाई दिख नहीं रहा है दिख नहीं रहा कैसे करेंगे तो भाई एक चीज आप ध्यान दें ये जो ए प्लस बी है ये अपन बाहर से लाए तो उसको रिप्लेस करेंगे फिर करेंगे सॉल्व ओके okay, तो यहां पर देखें अपन कहां से लाए थे यहां से लाए थे तो ए की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बी की वैल्यू चाहिए तो साइन इनवर्स वाई तो रख देते हैं तो ये हो गया अपना देखो साइन इनवर्स एक्स ये हो गया अपना साइन इनवर्स वाई इक्वल टू पाए बाय टू अब आप आराम से उसको डिफरेंशिएट करो और डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करते हैं ठीक है थीके? तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई का वन अपॉन रूट वन माइनस वाई स्क्वायर लेकिन ध्यान दें कि हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y को चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स टू कॉन्स्टेंट है इसका डेरिवेटिव सीओ ठीक है अब डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए तो इन सबको इधर उधर फेंक के थोड़ा सा अपन बना लेते हैं कि भाई अपने को जो चाहिए वैसा बनाना है अपने को तो बना देते हैं भाई तो देखो वन अपॉन रूट वन माइनस वाई स्क्वायर यहीं रहने दो अभी डी वाई अपॉन डी एक्स भी यहीं रहने दो अब आप देखो कि ये जो वन माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस में चले जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स हम्म ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में चले जाएगा तो ये आ जाएगा अपना डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस रूट वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आ गया यही तो प्रूफ करना था देखो बस यहाँ पर क्या है एक साथ रूट लगा हुआ है तो एक साथ रूट और लगा देते हैं एक स्टेप और करनी पड़ेगी कर देते हैं भाई तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस रूट वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क् और यही तो प्रूव करना था ठीक है तो इस तरीके से अपने को चीजों को अप्रोच करना है ओके चले अगले क्वेश्चन पे चलो सो so, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव तो आप ये समझ लीजिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ठीक है दो नंबर का क्वेश्चन है तो फटाफट -फड़ से इसको करिए और आगे बढ़िए क्या बोला जा रहा है कि हमको फाइंड करना है वेक्टर एक्स का मैग्नीट्यूड ठीक है

अपने को बोला जा रहा है ये यूनिट वेक्टर है मतलब उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा वन ओके सो so, यहाँ पर अपने पास पहली चीज तो ये है कि वेक्टर ए जो है ये यूनिट वेक्टर है इसलिए इसका मैग्नीट्यूड हो गया वन दूसरी चीज अपने को बोली गई है कि वेक्टर एक्स माइनस वैक्टर ए डॉट वैक्टर एक्स प्लस वैक्टर ए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं अपने को चाहिए क्या है वेक्टर एक्स का

हमने सेक्शन uh, ए में भी एक क्वेश्चन किया था वहां पर भी ये प्रॉपर्टी लगी थी सो एक्स डॉट एक्स हो जाएगा वेक्टर एक्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये तो गए ये हो जाएगा माइनस वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू ट्वेल्व अब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड तो अपने पास है ही क्योंकि ये यूनिट वैक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा वन तो यहाँ पर तो यहाँ पर वैक्टर एक्स का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा वन वन का स्क्वायर वन और ट्वेल्व अब माइनस वन उधर जाएगा तो प्लस का वन हो जाएगा यानी थर्टीन हो जाएगा तो एक्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू तो थर्टीन और एक्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा रूट थर्टीन अब ध्यान दीजिए यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लगेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड जो होता है वो पॉजिटिव होता है तो लीजिए ये हो गया आपका आंसर ठीक है और इस क्वेश्चन के साथ ही सेक्शन बी होता है समाप्त और आज का वीडियो भी समाप्त ठीक है तो भाई आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में भी आए होंगे और आज की जो क्लास है ये पसंद आई होगी आपको तो भाई वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करना नहीं भूलना है ठीक है बाकी अगर पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा बाकी आने वाले टाइम में अपन इसके आगे का सेक्शन सी कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ अपन वन शॉट भी कवर कर रहे हैं ताकि जब भी आप एग्जाम टाइम में रिविजन करें तो सारे कॉन्सेप्ट आपको एक ही वीडियो के अंदर मिल जाए ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू